कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर आज देश के सभी 736 जिलों में एक साथ टीकाकरण का ड्राई रन किया जा रहा है। इसको लेकर देश के सभी राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके तहत दिल्ली के एम्स में ड्राई रन शुरू किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसका निरीक्षण करने के लिए तमिलनाडु पहुँच चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल का दौरा किया। यहाँ उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 जनवरी को हमने 125 जिलों में ड्राई रन चलाया था। आज 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश भर में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि 2 जनवरी को हमने देश के लगभग 125 जिलों में ड्राई रन चलाया था और आज हम देश भर के 736 जिलों में यह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और लाभार्थियों को सर्वोत्तम तरीके से सहयोग के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों से अनुरोध करें। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास जारी है। कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण के लिए दूसरा ड्राई रन आज चल रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 15 टीकाकरण इकाइयां स्थापित की गई है। टीके के प्रशासन के लिए आज के ड्राई रन के लिए 25 स्वास्थ्य कर्मचारियों का चयन किया गया है। टीकाकरण से डरने वाले लोगों के लिए काउंसलर नियुक्त किए गए हैं।